गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर डूइंग आवर टॉपिक लेटर राइटिंग एंड वी हैव डन फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. टुडे वी विल डू फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स औपचारिक पत्र जिसमें हमें औपचारिकता निभानी होती है, लैंग्वेज भी फॉर्मल यूज करनी होती है और उसका फॉर्मेट अलग था जो हम कर चुके हैं. एंड नाउ टुडे वी विल डू फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र जिसमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी होती है, और ऐसे पत्र हम अपने रिलेटिव्स को, मम्मी पापा बहन भाई चाचा चाची रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर. और उसका फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस हम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर में भी पढ़ चुके हैं कि ये होता है पत्र लिखने वाले का पता, जो भी लिख रहा होता है. फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं लेटर, मैं लिख रही हूँ, तो मेरा एड्रेस आएगा सबसे पहले. और ये मैंने आपको फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में भी बताया था कि हम लोग लेफ्ट साइड को फॉलो करते हैं. कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना है, लिखना स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ें लेफ्ट साइड पे आएंगी. एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, ठीक है, जो भी आएगा सब लेफ्ट साइड से आएगा. सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद वन लाइन गैप आएगा. जहाँ जहाँ ये मार्किंग में कर रही हूँ वहाँ वन लाइन गैप है, एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है. जब हमारा एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक लाइन का गैप छोड़कर फिर डेट लिखनी है. जिस भी दिन हम लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ आ जाएगी, ओके. उसके बाद अगेन वन लाइन गैप आएगा, एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखना है. सैल्यूटेशन हमें पता है, सैल्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं संबोधन. और इसमें क्या आता है, अगर रिलेटिव को लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ठीक है. और अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड का नाम आ जाएगा, डियर अनिल, डियर अंजू, ओके. नाउ नेक्स्ट, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स मेन पार्ट ऑफ द लेटर, हमारे पत्र का मुख्य भाग. इसमें हमें वो लिखना होता है जो हम लिखना चाहते हैं, किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं, रीजन ऑफ द लेटर, ठीक है. और वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी. और ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, मेन पार्ट ऑफ द लेटर, ये हम लोग एक बड़ा सा पैराग्राफ ना बनाकर शॉर्ट दो तीन पैराग्राफ में लिखेंगे, ओके. लेंथी पैराग्राफ नहीं बनाना है, शॉर्ट शॉर्ट दो दो तीन तीन लाइन के दो तीन पैराग्राफ में लिखना है. और बॉडी ऑफ द लेटर के बाद जब हमारी बात वो खत्म हो जाए जो हमें लेटर में लिखना है, उसके बाद आता है कर्टियस एंड. नेक्स्ट लाइन में आएगा कर्टियस एंड. ये कर्टियस एंड होता है शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति. जब हम लेटर फिनिश करते हैं तो लास्ट एक लाइन लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में, विद रिगार्ड्स, मतलब सम्मान के साथ, रिगार्ड्स टू योर मदर फादर, कि अपने माता पिता को मेरा नमस्कार बोलना, वो लिखते हैं ना, वहाँ पर आ जाएगा. या फिर छोटों को, छोटों के लिए प्यार, ये बोलते हैं लव टू अंजू और अनिल. और या फिर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो विद बेस्ट विशेज, शुभकामनाओं के साथ, ओके. ये आता है कर्टियस एंड में, शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति में. नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मीन्स समाप्ति. और ये हमें पता है लास्ट में लिखते हैं योर्स लविंग फ्रेंड. अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड, या फिर योर सिंसियरली. बड़ों को लिख रहे हैं, योर मम्मी पापा को लिख रहे हैं योर लविंग सन, या फिर योर कुछ छोटों को लिख रहे हैं तो योर अफेक्शनेटली. तो ये लास्ट में सब्सक्रिप्शन में आता है. और बिल्कुल अंत में पता है हम लोग सब अपना नाम लिखते हैं, जो भी पत्र लिख रहा होता है वो अपना नाम लिखता है, ओके, क्लियर है. तो ये हमारा फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम कर चुके हैं. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. एक दो चीज़ें चेंज होती हैं, वो आपको ध्यान करके देखना है, ओके. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. रिवाइज द टॉपिक.